पटना पुलिस की विशेष टीम ने रूपसपुर थाना के साथ एक भारतीय सेना में बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें गिरोह का मुखिया सरगन्ना मुन्ना सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 15 लाख रुपए कैश, मेटल डिटेक्टर, करीब 200 अभ्यर्थियों के रियल ओरिजिनल प्रमाण पत्र, नोट गिनने वाली मशीन, फोटोस्टेट मशीन और एग्जाम में दौड़ाने के नाम पर जो क्लोथ्स यूज होते हैं, जो कपड़े यूज होते हैं, उनको बरामद किया गया है और अन्य कई सामान बरामद किया गया है। मोबाइल भी बरामद किया गया है और लैपटॉप भी आप देखेंगे बरामद हुआ है। एक बड़ा गिरोह है। कल एग्जाम हुआ था आर्मी का, जीडी का, सिपाही बहाली का, उसी में ये कई लोगों से पैसे एंट लिए कि हम आपको आर्मी में बहाल करवा देंगे और कई लोगों से एडवांस ले लिए। कई एजेंट्स इनके जो है काम कर रहे हैं बिहार में और बाहर में, और उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी वो ले लिए और उनमें से कई लोगों की जब एडमिशन हो जाती तो और पैसा ही लेते। बड़े टाइम से ये रैकेट चला रहे हैं। मुन्ना सिंह जो इसका मुख्य सरगना है, पिछले साल भी इसको जनवरी में पकड़कर जेल भेजा गया था जब आर्मी बहाली के नाम पर ये पेपर लीक करने का मामला आया था, मिली भगत इसकी आई थी। ये कई जिलों से जेल जा चुका है, जैसे आरा, छपरा, उसके अलावा मरौड़ा थाना भी है। कई जगह इस पे कांड दर्ज है और मर्डर केस में भी फरार चल रहा है छपरा से। इसके पकड़े जाने से एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और हमको उम्मीद है कि आगे जो इसके रैकेट के बाकी लोग हैं उसको भी हम लोग गिरफ्तार करें। मेटल डिटेक्टर का उपयोग है कि जब ये कैंडिडेट्स को बुलाते हैं तो उनको कैबिन में या कहीं ले जाते हैं कि आपके पास अब हम आपको पेपर पढ़ाने ले जा रहे हैं, जो पेपर आएगा एग्जाम में, और उसको मेटल डिटेक्टर से पूरी तरह से चेक करते हैं ताकि उसको कैंडिडेट को लगे कि ये जो ओरिजिनल है, इसको सब नॉलेज है उसको, ताकि उसके पास मोबाइल या कोई ब्लूटूथ डिवाइस ना हो, ये सब रखते हैं उस कार्य। सर, ये सब जो पकड़े गए हैं ये सब पढ़े लिखे हैं, और सर ये जो पूरी तरीके से आर्मी जो बहाली परीक्षा होता था उसमें कोई अधिकारी से भी इन लोग का साठगांठ है क्या, ऐसा कुछ? देखिए, अभी तो ये हमारे सामने फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें सर्टिफिकेट्स करीब 200 कैंडिडेट्स के ले लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आप देखेंगे ये सब है, कोई भी नकली सर्टिफिकेट नहीं है या फोटोस्टेट नहीं है। ज्यादा किस एरिया के हैं सर? कैंडिडेट ये जो सर्टिफिकेट है हर जगह के, पूरे बिहार से, पूरे बिहार नेटवर्क और उससे बाहर के भी है। हम उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट्स हैं, इसकी हम पूरी तरह से तफ्तीश करेंगे और जो भी खुलासा होगा उसको हम सामने लाएंगे। सर, टोटल कितने लोग शामिल होंगे? बड़ा नेटवर्क है, इसमें तो एजेंट्स हैं पूरे स्टेट में, जो एजेंट्स हैं वो कैंडिडेट्स इनके पास लाते हैं और वो एडवांस जाता है, जिसमें अल्टीमेटली जो बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपया मुन्ना के पास जाता है एक कैंडिडेट के, और फिर एडमिशन देने के बाद और ये लोग करते हैं। सर, जिस प्रकार से सर्टिफिकेट है अभी फिलहाल, नहीं लगता है कि लोग करोड़ों का अभी तक कर? निश्चित रूप से करोड़ों का मामला है, कई साल से काम कर रहा है। इसमें से जो 2 लोग हैं, एक मुन्ना सिंह और जगदीश कुमार, ये मर्डर केस में फरार हैं, छपरा में मर्डर भी किए हैं, बड़ा रैकेट ये चलाते हैं। मुन्ना सिंह का आपने नाम सुना होगा, पहले भी जेल गया है, छपरा से भी जेल गया। सर, ये बहाली करवाते थे या फर्जी बहाली का दावा करके पैसा ऐंठते? अभी तो जैसा कि इसके द्वारा बताया गया है कि फर्जी बहाली का दावा करके पैसा ऐंठते थे, पर मुन्ना सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कई ऐसे मामलों में जेल जा चुका है। क्या सैन्य अधिकारियों से भी इनकी मिलीभगत है क्या? उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टि तो फर्जीवाड़ा का ही मामला है, मिलीभगत के बिंदु पे हम लोगों को जांच करनी पड़ेगी। सिपाही भर्ती में किन्हीं को करवाया है इन लोगों ने या नहीं करवाया? ये तो बोल रहा है कि हम फर्जीवाड़ा करते थे, पैसा ले लेते थे, और उसके बाद कुछ लोगों का जब हो जाता था तो उनसे और पैसा ले लेते थे, बाकी का नहीं होता था तो उनको बोलते थे कि नहीं। फिर पैसा लेके फरार हो जाते थे क्या? फरार हो जाते थे, मतलब लॉटरी, एक लॉटरी टाइप का खेलते थे, वही लॉटरी करते थे, हो गया तो पैसा हमारा आने तो फिर। कितना मेंबर होंगे? जांच के विषय है इसमें। कितना मेंबर होंगे सर अभी तक, एक आंकड़ा देखा जाए कितने मेंबर इनके गिरोह में काम कर रहे होंगे? इतना बड़ा रैकेट, कई एजेंट्स हैं हर जिला में, हर स्टेट में काफी सारे इसके एजेंट्स हैं। कितने एजेंट्स आपके होंगे? 10 बता रहा है, पर काफी सारे एजेंट्स हैं। सर, अभी इस मामले में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया और कुल कितने पैसे की रिकवरी की गई? अभी 3 लोग हिरासत में हैं और 15 लाख रुपए की रिकवरी की गई। ठीक है सर, थैंक यू। वहाँ